हेलो गाइस, नीट 2023 के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज अपन इस वीडियो में नीट यूजी का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, किन किन सावधानियों के साथ में फॉर्म फिलअप करना है, आज अपन पूरा प्रोसेस समझेंगे फॉर्म फिलअप का कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। दोस्तों, नीट यूजी 2023 का फॉर्म फिलअप करने के लिए रजिस्ट्रेशन का टैब नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट के अंतर्गत यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर शो नहीं होता है तो कैंडिडेट एक्टिविटी के अंतर्गत आपको लिंक आ जाएगा, यहाँ पर आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले नीट यूजी की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको एक बार डिटेल जरूर करें। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, उसके बाद में एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया गया वो भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ई सर्विस में भी जानकारी है जो मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी प्रत्यक्ष वीडियो बनाया गया है। तो आप अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, चलते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस समझते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर नीट, इस पर क्लिक करना होगा आपको। जैसे इस टैब पे क्लिक करेंगे ये अपने को न्यू पेज पे लेके जाएगा, जहाँ से अपना फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अपना फॉर्म ओपन हो चुका है। सर्वप्रथम अपने को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर्म भरने के लिए थ्री स्टेप में अपने को फॉर्म कंप्लीट फिलअप करना है। जैसे सर्वप्रथम अपने को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करना है, और लास्ट में आपको फिक्स्ड डेट करवानी है। और यहाँ पर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन का टाइम नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। अगर स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यहाँ से अपन फॉर्म को ओपन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर फीस के संबंध में जानकारी दी गई है और अन्य जानकारी भी दी गई है। यहाँ से अपन इन्फॉर्मेशन भी डाउनलोड है जो कर सकते हैं, और एग्जाम सिटी भी यूज कर सकते हैं। सर्वप्रथम पंजीयन करना है, आवेदन फॉर्म फिलअप करना है, और अपना फीस पेमेंट कंप्लीट करवाना होगा। एक बार इस जानकारी को जरूर रीड आउट करें, क्योंकि ये सारी जानकारी फॉर्म के संबंध में रहती है। तो स्टूडेंट एक बार इसको जरूर रीड आउट करें, जिससे इसको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन पर राइट क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक टू प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना पंजीयन ओपन हो चुका है, जिसके अंतर्गत आपको सर्वप्रथम व्यक्तिगत डिटेल, फिर आपका वर्तमान पता, परमानेंट पता, और उसके बाद में अपने को पासवर्ड जनरेट करना होगा। इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन का रहने वाला है। उसके बाद में अपना फॉर्म ओपन हो जाएगा जो नीट का है। यहाँ पर दोस्तों, एक बात की जानकारी का ध्यान रखना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिलअप करें, किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म में गलती ना करें। जैसा कि सर्वप्रथम अपना नाम दर्ज करना है, उसके बाद में पिताजी का नाम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, और पहचान के रूप में यहाँ पर एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना होगा, उसका यहाँ पर नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं वर्तमान पता के अंतर्गत आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दर्ज करना होगा। सर्वप्रथम अपना प्रेजेंट एड्रेस और फिर परमानेंट एड्रेस, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना सेम है तो सेम पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम अपना पता दर्ज करना है, और सब लोकेलिटी भी दर्ज कर सकते हैं। फिर आपकी लोकेलिटी दर्ज करना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है दो बार दर्ज करना है, ईमेल आईडी को दो भी दो बार दर्ज करना है, अल्टरनेट यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप रख सकते हैं कोई भी अन्य। जैसा कि आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो सेम पे टिक कर सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर डिफरेंट दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और पासवर्ड को कंफर्म करना होगा, और फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, और उसका आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पासवर्ड के रूप में दोस्तों ध्यान रखना है, आप पासवर्ड सेलेक्ट करते समय ऐसे आपको मैं उदाहरण बता दूँ कि आप यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स एंड डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी पिन दर्ज करना है, उसके बाद में सबमिट करना होगा। यहाँ पर पॉपअप को क्लोज कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ जानकारी आपको वेरीफाई करनी होगी, जैसे अपना नाम है, पिताजी का नाम, मदर नेम, जन्म डेट, यहाँ पर सारों पे राइट टिक करना है। उसके बाद में आई एग्री पे टिक करना है। अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है एडिशन का, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वरना सेंड OTP पे क्लिक करके आपको इसको सबमिट करना होगा, और यहाँ पर OTP आपके मोबाइल नंबर पे भेजे जाएंगे, और OTP से वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर गेट OTP का टैब नजर आ रहा है, इस पर यस टिक करना। यहाँ पर देख पा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पर समझना होगा। उससे पहले अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, आप अपना ईमेल वेरीफाई भी कर सकते हैं OTP के माध्यम से, जो आपके ईमेल पे OTP आएगा। अब यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा, उसके बाद में फॉर्म कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ जानकारी है, जैसे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट बता देगा, उसके बाद में जो भी इनकम्प्लीट है वो इनकम्प्लीट आ जाते हैं, और जो कंप्लीट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं अपन फॉर्म कंप्लीट करते हैं। ईमेल को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना ईमेल शो हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दर्ज करना है, और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर OTP भेजे जाएंगे आपके ईमेल पे, और ईमेल को यहाँ पर OTP के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं।
जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अपना फॉर्म ओपन हो चुका है। फॉर्म ओपन हो चुका है, उसके अंतर्गत आपको ये स्टेप है, जैसे कि अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद में पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, उसके बाद में आपको अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एडिशनल डिटेल है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म एक बार कंप्लीट फिलअप हो जाता है। लास्ट में अपना फीस डिडक्शन का ऑप्शन बाकी रहता है, तो पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना होगा। पर्सनल डिटेल्स के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, जो अपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर जो जानकारी फिलअप की थी वो सारी जानकारी एक बार यहाँ पर आ जाती है, और अन्य जानकारी जो आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से आपने 12th की है वो आपको स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना होगा, अगर आपका पासिंग है या एपीआर है वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में कोई स्टूडेंट पीएस स्टूडेंट है तो वो भी अपना सेलेक्ट कर सकता है, अगर मधुमेह रोग का पेशेंट है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका यहाँ पर निवास की जगह सेलेक्ट करनी है, आपके वार्षिक आय सेलेक्ट करनी है, अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो ये कर सकते हैं, अपना निवास कंट्री सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर निर्देशन तैयारी का तरीका है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे टिक करना, फिर आधार के संबंध में पूछ रहा है, अगर आपका आधार नंबर आपके पास में है तो यस करना, अन्यथा नो करना और सबमिट कर देना। उसके बाद में अपना आधार डिटेल यहाँ पर शो हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ जानकारी, जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, आपके संबंध में जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इनको एक बार रीड करके। उसके बाद में आपको डिक्लेयर पर टिक करना है और फिर एंड सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर अपना आधार नंबर भी आप दर्ज कर सकते हैं। अब अपना ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर एग्जाम नीट का सेलेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का सेलेक्ट करना होगा, मीडियम, आप किस मीडियम से आपका क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश या मराठी या उर्दू जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम सिटी आपको 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको सर्वप्रथम स्टेट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम का सेंटर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में अपने फादर्स का व्यवसाय सेलेक्ट करना है और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक की है वो सेलेक्ट करनी है, माताजी का व्यवसाय और माताजी की यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दर्ज करनी होगी। यहाँ पर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का टैब नज़र आ जाता है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आपको 10th की डिटेल दर्ज करनी है, आपका 10th पास है या फिर आपने उत्तीर्ण कब किया वो वर्ष सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन एग्जाम 10th या इक्वल, उसके बाद में आपका स्कूल कैसा है, अर्बन है रूरल है, और यहाँ पर गवर्नमेंट है प्राइवेट है वो सेलेक्ट करना, आपका स्टेट सेलेक्ट करना है जो आपने 10th कहाँ से किया है, उसके बाद में जिला सेलेक्ट करना है, स्कूल यहाँ पर दर्ज करना होगा, और फिर आपका परसेंटेज मोड है ग्रेडिंग मोड है वो सेलेक्ट करना है, आपको टोटल मार्क्स दर्ज करना है आपको कितने प्राप्त हुए, और यहाँ पर परसेंटेज है जो ऑटो पास हो जाते हैं, अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा, अपने स्कूल या कॉलेज का पता दर्ज करना होगा, यहाँ पर पिन कोड नंबर दर्ज करना होगा, यहाँ पर आप 11th की जानकारी भी दर्ज कर सकते हैं, जानकारी दर्ज करने का सेम प्रोसेस है। उसके बाद में अपना 12th की जानकारी दर्ज करनी है कि आपने 12th पास किया है, अगर कोई स्टूडेंट का 12th का अभी रिजल्ट नहीं आया है तो वो अपीयर कर सकता है, जो इस साल 12th कर रहा है उसने उत्तीर्ण कब किया है, यहाँ पर एग्जाम क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा 12th या इक्वल, उसके बाद में ये सारी जानकारी है, सेम प्रोसेस है 10th और 12th का फिलअप करने का। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एडिशनल डिटेल आ जाती है, जिसके अंतर्गत आपने नीट यूजी का भी कभी कोर्स दिया है एग्जाम दिया है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं यस, अन्यथा नो कर सकते हैं, आपका जन्म स्थान सेलेक्ट करना है, राज्य सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, सिक्योरिटी पिन दर्ज के सेव नेक्स्ट पे जाना होगा, और अपने को आगे डॉक्यूमेंट का प्रोसेस आ जाता है उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ चुका है, सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसकी यहाँ पर साइज आपको ध्यान रखना है आपकी 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद में दाएं और बाएं हाथ की उंगली और अंगूठे के निशान यहाँ पर दर्ज करना है, उसके बाद में आपको सिग्नेचर दर्ज करना है और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद में 10वीं सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, यानी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट का जो भी है आपको पास में वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पोस्टल कार्ड साइज फ़ोटो है तो आपका छोटा फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा, और यहाँ पर आपका है जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो अपलोड करना होगा, दाएं और बाएं हाथ की उंगली और अंगूठों के निशान इसके अंतर्गत सारा आना चाहिए एक ही पेज पर, इनकी जानकारी का ध्यान रहे। उसके बाद में अपना फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाता है, एक बार फॉर्म को यहाँ पर रिव्यू कर देना है, अगर आप किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं तो पहले करेक्शन कर दें, वरना अगर फॉर्म कंप्लीट है तो फाइनल सबमिट करना होगा, और फाइनल सबमिट करने के बाद में अपने को फीस डिडक्ट करवानी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फीस नाउ का टैब नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और फीस डिडक्ट करवाते हैं। यहाँ पर अपन फीस के टैब पे पहुंच चुके हैं, आप फीस अपना नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अगर फीस डिडक्ट कर सकते हैं तो आपके लिए सिक्योर रहता है। तो इस तरह दोस्तों फॉर्म अपना कंप्लीट फिलअप हो जाएगा, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।